जो आप लोगों पर टैग लगा उसको कैसे हटाओगे आप? कौन सा टैग? गुंडों की पार्टी का टैग। गुंडों का तो अब इनके ये गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी ये गुंडे हैं सबसे बड़े। एक पटवारी हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो, क्या वो गुंडागर्दी नहीं कर रहा? जबरदस्ती पैसे नहीं ले रहा? आज तुमने देखा होगा कि पुलिस वालों ने डकैती कर ली, पेपरों में पढ़ो, पुलिस वालों ने डकैती कर ली। बिल्कुल। तो फिर तो कौन है? वो तो जनता को बता रहे हैं ना आपके बारे में, ये गुंडे हैं। देखिए, जनता को जो आदमी झूठ बोलने वाला होता है वो फर्जी बातें करेगा ही। ये झूठ बोल करके गुमराह करना चाहते हैं और मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सर, इनके पास जो घुट्टी है उसका तो कोई तोड़ है नहीं? नहीं, तोड़ है, अब सामने आ जाएगा तोड़ है। ये जो पब्लिक घूम रही है, ये तोड़ के लिए तो घूम रही है, ये मुद्दे के तोड़ के लिए घूम रही है पब्लिक। अब पब्लिक इनके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन सर, कई चुनावों में देखा गया लोग आते हैं लेकिन बदल जाते हैं ना सर। आपने देखा होगा जब पहले बीजेपी की सरकार थी तो साइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या कहा करते थे, कहाँ चला गया वो साइनिंग इंडिया? फिर बदल गई सब। अब फिर इन्होंने झांसा दे करके अपनी सरकार बना ली थी, अब फिर बदलाव की लोग सपा की टक्कर किससे है? सपा की टक्कर में ही नहीं हो रहा कोई अभी। सपा और रालोद की जो टक्कर है वो किसी के कोई है नहीं। चाचा को मना पाएंगे? अरे चाचा अपने आप मान जाएंगे, उनका घर का मामला वो माने नहीं है। चाचा माने हुए, वो क्या कर रहे हैं बेचारे? वो तो चुप बैठे, इनके साथ कह रहे हैं जब भी भतीजा बुलाएगा मैं तैयार हूँ। इसका मतलब दाल पक्की है, पकड़ी है। मंत्री साहब, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे इस बार? हम महंगाई पे लड़ेंगे, बिजली पे लड़ेंगे, विकास पे लड़ेंगे, और ये जो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया उस पर लड़ेंगे, जो बिजली इतनी महंगी कर दी उस पर लड़ेंगे। महंगाई और बिजली कैसे कम करोगे, क्या फॉर्मूला? यार वो फॉर्मूला तो सारा इस पे थोड़ा ही बताया जाता है। फॉर्मूला जो निकालना चाहता है वो निकालता है। जो छोटे आदमी है, कमजोर आदमी है, किसान आदमी है, उनका किसी सीमा तक बिल माफ करेंगे। पहले भी तो किसान पे जो किसानों की दुर्घटना बीमा योजना थी वो किसने शुरू की? समाजवादी पेंशन किसने शुरू की? अगले सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल। लॉ एंड ऑर्डर तो अब देखो ना, आज का दिखाऊं? नहीं, दुष्कर्म। देखो, खाद की किल्लत के विरोध में फूका प्रदेश सरकार का पुतला, नलकूप का बिल 16 लाख रुपए, ये हम नहीं छापते, ये उनका वो छापता है। ये तमाम जो चीजें आ रही हैं ये उनकी है। आज सरेआम डकैती होती है, थाने के सामने होती है, बताओ, मैं बता देता हूँ। वो तो कह रहे गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए। नहीं, गुंडे प्रदेश नहीं, इन्होंने दहशत का माहौल बना दिया। इन्होंने लोगों को डरा दिया उसे इस बात को, आम आदमी को भी। ये कहते हैं ये आतंकवादी, अगर वो बीजेपी का झंडा नहीं उठा रहा तो उसे कहेंगे ये आतंकवादी है, ये फला है, ये देशद्रोही है, उसको लेकर के वो डराना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। डर का माहौल है क्या नेताओं में भी? नेताओं में डर का माहौल नहीं है, लेकिन देखिए ये तो डराने की कोशिश करेंगे ही ना। मीडिया को नहीं डराया इन्होंने? मीडिया, गोदी मीडिया कहाँ से आया? लोगों ने आजम खान को बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, कैसे प्रयास नहीं किया? कहाँ प्रयास किया? अरे सब लोग, सब आवाज उठाई। लेकिन देखिए, जब तक अपनी सरकार नहीं होती तब तक सारी बातें नहीं बन सकती। जब लोगों में गुस्सा आया तब तो अखिलेश जी देखने गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अखिलेश जी बता के जाएंगे किसी को? वो अगर अस्पताल में गए, जेल पे गए, तो वो आजम खान क्या जा रहा निकालने के लिए? क्यों चुनाव नजदीक, देखिए बड़ा चेहरा है। जो कोर्ट में केस चला जाता है उसे कोर्ट तय करता है ना, जुडिशरी तय करती ना। हमारी तुम्हारी जुबानी से तो बात नहीं बनेगी, जुडिशरी उसमें काम भी कर रही। और दूसरा, जैसे सरकार आएगी जो फर्जी लगाए गए तुरंत हटा दिए जाएंगे। वो लगता है सर जाट वोट देगा गठबंधन? अरे यार, वो अजीत सिंह का और चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, उनके पूर्वजों ने ये पार्टी खड़ी की है। सर अभी तक टिकैत साहब कह रहे कि मिशन यूपी रहेगा, लेकिन जब से 19 तारीख से बिल वापसी की घोषणा हुई है उनके बयान बदलने लगे। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, उन्होंने ये भी कह दिया जब तक MSP गारंटी नहीं होगा नहीं उठेंगे। इसको नहीं पढ़ा आपने? मिशन की बात तो मिशन तो ये है ही है, लेकिन गारंटीड जो MSP होना चाहिए था, ये भी तो टिकैत ही कह रहे कि जब तक ये नहीं होगा हम नहीं हटेंगे, नहीं उठेंगे। अगर सर MSP पर सरकार बात मान ले तो क्या लगता है आपको लोग वापस जाएंगे बीजेपी के पास? अब ये देखिए, वापस पर देखिए, एक बार जहां इतनी तकरार हो गई जिसमें 700 आदमी मर गए, वहां सहमति बना नहीं करती। ये लोगों की मानवीयता का सवाल है। ये देखिए, वहां से पंजाब से होकर के पूरे यूपी के लोग आज तक पंजाब, राजस्थान, आम किस बात का परिवर्तन होगा? पूरा 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 परिवर्तन होगा। परिवर्तन आप भी घूम रहे हैं तो दिखाई तो दे रहा होगा परिवर्तन की। लोगों में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि पीड़ित होने के बाद में आदमी परिवर्तन करता है। वैसे भी यूपी का एक सिस्टम चल रहा है कि जो सरकार है वो बदलनी जरूर है, तो अब बदलाव का है, क्योंकि लोग परेशान हैं, चाहे महंगाई से हो, चाहे बुखार से पीड़ित हो, चाहे
पीड़ित हो, चाहे आपका गन्ने का पेमेंट ना होता हो, चाहे खाद महंगा हो, चाहे सिलेंडर महंगा हो, तो आज बेहद जरूरत परिवर्तन की है भी और जनता भी चाहती है और उसी का प्रतीक आप देख रहे हैं कि सैलाब उमड़ता है। लेकिन सर बीजेपी वाले कह रहे हैं 300 प्लस जाएंगे, और बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में माहिर है। वो तो पहले भी बोल रहे थे 15-15 लाख जाएंगे, कहाँ गए, 1 लाख भी नहीं गया। आदमी के ले और लिए, नोटबंदी में निकलवा और लिए, GST और लगा दी और महंगाई होगी। तो आज ये उनका झूठ बोलने की आदत को पूरा आवाम समझ चुका है और अब झांसे में आने वाला नहीं। लेकिन सर मथुरा का मुद्दा ले आए हैं वो मथुरा का मुद्दा सब जानते हैं कि पहले अगर पेट नहीं भरेगा तो भगवान जी भी खुश नहीं होंगे, जब पेट ही भूखा होगा तो भगवान जी या अल्लाह कैसे खुश होंगे। पर ये तो कह रहे पहले देश बचा लो, पेट बाद में। नहीं, पहले ये कह रहे कुर्सी बचा लें अपनी, अब ये कुर्सी बचाने में लग रहे हैं, अब ये देश बचाने में नहीं लग रहे, देश को तो झोंकने में लग रहे हैं। धर्म को मजबूत कर रहे हैं ये धर्म जानते ही नहीं, धर्म की परिभाषा का ही पता नहीं इनको। ये तो ऐसा समझे रामचंद्र जी तुम्हारे घर का था, अरे तुम्हारा मतलब क्या था रामचंद्र जी से? रामचंद्र जी का मतलब था हम जैसों से, उन्होंने सबको इकट्ठा करके जो लड़ाई लड़ी धर्म अधर्म, ये तो अधर्म में डूब रहे सारे, ये तो धर्म के नाम पर इतना बड़ा जो ये लोगों को छलावा कर रहे हैं उसको समझ चुके हैं। लोगों का पेट और विकास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि ये गन्ने वाले जो है ना, ये जिन्ना वालों को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए जिन्ना का बात क्यों लेते हैं, जिन्ना की बहुत अतीत की बात हो गई, उससे हमारा क्या लेना देना, हम वर्तमान में बात करें। अगर हमारा जी का तो अभी प्रेम जागा ना उनके। नहीं नहीं, गन्ने का देखिए, गन्ने का भुगतान अगर नहीं कर रहे तो ये उस चीज को, उस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो डाइवर्जन का इनका तरीका है मुद्दे को, उसको लेकर के कभी जिन्ना कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो ये इनकी फितरत में आ चुका है। ये विकास की क्यों नहीं बात करते, ये लोगों की गरीबी की क्यों बात नहीं करते, किसानों के सस्ता करने की, बिजली को माफ करने की क्यों नहीं बात करते हैं? ये बात करते हैं, दूसरी बातें घुमाते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं। बिजली ज्यादा दे रहे हैं हम, बिजली कहाँ दे रहे हैं? एक आदमी को कितनी, अभी आज के अखबार में खबर थी, एक नलकूप का बिल 10 लाख रुपए भेज दिया। पढ़ूं पढ़वाऊं? हां हां, आते रहती ऐसी खबरें। नहीं, पढ़वा देता हूं, मेरे पास है। तो 10 लाख रुपए का बिल पेमेंट करेंगे? गलती होगी, होगी प्रिंटिंग। नहीं, गलती होगी तो महंगाई कितनी है? एक बिल जो 200 रुपए आया करता था, 3000 रुपए आ रहा। सर महंगाई भी मुद्दा बनेगा क्या बड़ा? महंगाई का मुद्दा है, देखिए जब रोजगार नहीं होता युवाओं पर, बेरोजगारी में उसकी मानवीय आवश्यकताएं तो चाहिए, और जब पूरी नहीं होगी तो या तो अपराधी बनेगा या कहीं से चोरी करेगा, क्योंकि उसे भी तो जीवन यापन करना है। तो आज जब बेरोजगारी में रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी की क्रिया शक्ति घट गई, बच्चों की पढ़ाई गई, स्वास्थ्य गया। एक डॉक्टर 1-1.5 हजार रुपए लेता, कहाँ से देगा गरीब आदमी? नौकरी नहीं है उसके बच्चों पर। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ा? किसान आंदोलन का तो पूरी कमर तोड़ दी, क्योंकि जो लोग इतने झूठे थे, जो बिल खराब था, अगर वो सही नहीं था, और पिछले एक साल से लोग बैठे थे, क्या सरकार को अब याद आई एक बिल, ये किसानों की मांग ठीक थी? आज जो 700 लोगों की शहादत हुई है उसका जवाब दे ही किसकी है? पीएम की नहीं है, सरकार की नहीं है क्या? है, इतने लोगों की शहादत दे दी और उनका मुकदमे भी वापस नहीं ले रहे। अभी जो मेन मुद्दा MSP का था, उस पे क्या बोलते हैं वो बताए ना।